गाइस टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज पल्सर RS200 BS6 मॉडल्स। गाइस आज की स्टूडियो में हम बजाज पल्सर RS200 BS6 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जानेंगे, डिटेल जानेंगे, इंजन, पावर, टायर्स, ब्रेकिंग सिस्टम, प्राइस, एवरीथिंग। दोस्तों सारी चीज़ें आज की स्टूडियो में हम जानने वाले हैं बजाज पल्सर RS200 BS6 मॉडल को लेकर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो कलर दिखा रहा हूँ वो है रेड एंड वाइट कलर। ये भी कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को ये कलर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बजाज पल्सर RS200 BS6 मॉडल के बारे में। देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो 200 सेगमेंट है, 200 के सेगमेंट में RS200 BS6 मॉडल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और काफी ज्यादा परफॉर्मेंस वाली बाइक है पल्सर RS200। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं पल्सर RS200 BS6 मॉडल के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे प्राइस के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई इस बाइक का प्राइस कितना होगा। जी हाँ, सबसे पहले हम प्राइस के बारे में सोचते हैं, उसके बाद ही हम खरीदने की सोचते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों का भाई वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले बाइक का प्राइस एंड बजट बताता है, उसके बाद आप लोगों को स्पेसिफिकेशन बताता है ये मेरी चीज़ अच्छी है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। दोस्तों इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,49,000 रुपीज, 1,49,000 रुपए इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है। अब बात कर लेंगे कंप्लीट प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को ऑन रोड प्राइस से ही बाइक परचेस करनी होती है। तो दोस्तों ऑन रोड प्राइस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आप लोगों के यहाँ एंड हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि हर स्टेट में इंश्योरेंस एंड आरटीओ के चार्जेस में हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। पल्सर RS200 जो BS6 मॉडल आई है वो हमारे यहाँ 1,75,000 रुपीज में ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। जी हाँ, 1,75,000 रुपए में ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों के यहाँ इसका क्या ऑन रोड प्राइस है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे इंजन टाइप के बारे में, इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ट्रिपल स्पार्क प्लग, 4 वॉल्वो, 200cc BS6 इंजन DTSI टेक्नोलॉजी के साथ हमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। 199.5cc का इंजन इसमें यूज़ किया गया, नॉर्मली हम 200cc कहते हैं RS200 को। वही दोस्तों बात कर लेंगे पावर एंड टॉर्क के बारे में। इस बाइक में 24.5 का PS पावर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, 24.5 का PS पावर जो कि 9,750 RPM पे पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 18.7 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है जो कि 8,000 RPM पे पावर जनरेट करता है। यानी कि इस बाइक में जो आपको पावर एंड टॉर्क मिल जाता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में दोस्तों लिक्विड कूल देखने को मिल जाता है जो कि गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा कूल रखता है, जिससे बाइक की जो परफॉर्मेंस रहती है वो बने रहती है। 4 वॉल्व में डिज़ाइन किया गया है। ड्राई टाइप में चैन ड्राई देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों स्टार्टिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, किक का ऑप्शन नहीं मिलता। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है जिसे हम FAB कहते हैं। वहीं क्लच में दोस्तों नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिल जाता है। फिलहाल अभी स्लीपर क्लच हमें इस बाइक में देखने को नहीं मिलता। वहीं दोस्तों ट्रांसमिशन मैनुअल देखने को मिल जाते हैं। गियरबॉक्स में 6 स्पीड गियरबॉक्स हमें इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। एमिशन टाइप BS6 मॉडल। तो ये था दोस्तों बाइक का इंजन के स्पेसिफिकेशन। वही दोस्तों बात कर लेंगे माइलेज के बारे में, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इस बाइक में आप लोगों को हाईवे पे 35 के आसपास का माइलेज मिल जाता है, 30 का माइलेज आपको इस बाइक में सिटी में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम रेशियो निकालेंगे हाईवे प्लस सिटी, इस बाइक में आप लोगों को 30-35 के आसपास का माइलेज देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेंगे बाइक के फीचर एंड सेफ्टी के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में बात कर लेंगे बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। यहाँ पे दोस्तों सेफ्टी पर्पस के लिए ABS में हमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। स्पीडोमीटर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इस बाइक में सेमी डिजिटल देखने को मिलता है, यानी कि कुछ चीज़ें डिजिटल एंड कुछ चीज़ें एनालॉग।
स्पीडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, टेकोमीटर एनालॉग मिल जाता है जिसे हम आरपीएम मीटर भी कहते हैं, ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, साथ में आप लोगों को इस बाइक में क्लॉक भी देखने को मिल जाता है। कंसोल आप लोगों को इसमें डिजिटल विद एनालॉग दोनों देखने को मिल जाता है, दोनों की मिक्सिंग। मुझे RS 200 की स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेंगे इस बाइक के चेसिस एंड सस्पेंशन के बारे में। इस बाइक में दोस्तों चेसिस टाइप में पैरामीटर फ्रेम देखने को मिल जाता है, बॉडी टाइप स्पोर्ट बाइक है दोस्तों। बात कर लेंगे सस्पेंशन के बारे में, इस बाइक में आप लोगों को फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, और रियर सस्पेंशन में नाइट्रो मोनोशॉक देखने को मिल जाता है विद कैनिस्टर देखने को मिल जाता है इस बाइक में, जो कि इसके जो सस्पेंशन है दोस्तों RS 200 के काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं, सस्पेंशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साथ में दोस्तों बॉडी ग्राफिक भी आपको इस बाइक में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, बहुत सारे आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लैक मिल जाता है आपको, जो मैं कलर दिखा रहा हूँ रेड वाइट मिल जाता है, ब्लू वाइट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बात कर लेंगे दोस्तों बाइक के लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में, इस बाइक की जो लेंथ है दोस्तों वो है 1999 mm की, इस बाइक की दोस्तों जो वीट है वो है 765 mm की। वही दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के ओवरऑल हाइट के बारे में, जी हाँ सीट हाइट के बारे में नहीं ओवरऑल हाइट बारे में, तो वो है दोस्तों 1114 mm, जी हाँ 1114 mm इस बाइक की ओवरऑल हाइट है। वही दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक की सीट हाइट के बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हम अपनी हाइट के हिसाब से किसी बाइक को परचेस करते हैं। दोस्तों इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 810 mm की, जी हाँ 810 mm की सीट हाइट है पल्सर RS 200 BS6 मॉडल की। ग्राउंड क्लियरेंस में 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। वही बात कर लेंगे वेट के बारे में दोस्तों, तो इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 166 kg का, जी हाँ बाइक है 166 kg की। बात कर लेंगे दोस्तों इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपको पता है RS 200 में डुअल प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है, और डुअल प्रोजेक्टर लाइट होने की वजह से इसकी जो लाइट की परफॉर्मेंस होती है ना वो काफ़ी खास होती है कंपेरिजन टू अदर व्हीकल, तो इसकी लाइट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बात कर लेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में, हेडलाइट आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है, टेल लाइट मिल जाती है, टर्न सिंगल लैंप देखने को मिल जाते हैं जो कि LED मिलती है, LED टेल लाइट मिल जाती है, बैटरी टाइप में DC मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिलती है, बैटरी कैपेसिटी 12 वोल्ट की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। साथ में इलेक्ट्रिकल्स में लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेंगे बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, और RS 200 में ये चीज़ें भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। टायर साइज में दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को 180 का टायर देखने को मिल जाता है, जी हाँ फ्रंट में 180 का, एंड रियर में 130-70 का टायर हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर। वही व्हील टाइप में दोस्तों दोनों ही साइड आपको अलेवल देखने को मिल जाता है, ऑब्वियसली दोनों ही साइड आपको अलेवल ही देखने को मिलेगा अगर एक साइड अलेवल मिलता है। वही दोस्तों बात कर लेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो स्पेशल फीचर में मैंने आप लोगों को पहले बताया था इस बाइक में आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम में डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, साथ में इस बाइक में आप लोगों को दोनों ही साइड डिस्क देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड दोस्तों आप लोगों को 300 mm की डिस्क साइज देखने को मिल जाती है, जी हाँ जो फ्रंट साइड डिस्क प्लेट लगी हुई है वो है 300 mm की, एंड जो रियर ब्रेक में डिस्क प्लेट लगी हुई है 230 mm की, 230 mm की डिस्क प्लेट आपको रियर की तरफ देखने को मिल जाती है पल्सर RS 200 BS6 मॉडल में। ये था दोस्तों आप लोगों के लिए पल्सर RS 200 BS6 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जानता हूं RS 200 BS6 मॉडल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लोग इसको बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं, बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी खास होती है। मेरे हिसाब से दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में RS 200 काफी अच्छी गाड़ी है, 200 के सेगमेंट में इस बाइक को कोई भी बीट नहीं कर पाती है। साथ में दोस्तों इस बाइक का बजाज की तरफ से जो लुक दिया गया वो भी मुझे काफी खास लगता है। RS 200 BS6 मॉडल दोस्तों नॉर्मली बहुत से लोग आजकल परचेज भी कर रहे हैं, कहते हैं कि इसका जो पावर एंड पिकअप है, साथ में इस बाइक का जो लुक है, इस बाइक के जो इंजन का साउंड है वो काफी अच्छा लगता है कंपैरिजन टू अदर 200 cc बाइक्स। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को यह बाइक पसंद आई या नहीं आई, बाइक पसंद आई या नहीं आई वो चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके।